हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन 2004 प्रैक्टिस सेट के छूट गए थे, वो क्वेश्चन सभी आप लोग को दिए जा रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 101, अपोलो देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे? नेमिन खेल, स्थिमियान खेल, फितियान खेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। 101 राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? अपोलो देवता के सम्मान में रिलेट कर जाएगा, फितियान खेल हो जाएगा। क्या सी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके लिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। 102 नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ओलंपिक में प्रतियोगिता कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है? दो होती है, तीन होती है, चार होती है, या फिर पांच होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? दो के साथ चला जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, या फिर पांच हो जाएगा। आंसर जो रिलेट कर जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, थ्री के साथ में रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आ गया है 103, निम्न में से किसे ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा करता है? कौन करता है इसकी अनाउंसमेंट? चेयरमैन आईओसी, प्रेसिडेंट आईओसी, सेक्रेटरी आईओसी, या फिर देश का प्रधानमंत्री? राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 104, निम्न में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है? शहर को, देश को, जिले को, राजधानी को? तो ये सौंपी जाती है, ऑब्वियस हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया था? बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कुछ बुक्स में आपको 1952 मिलेगा, कुछ बुक्स में 1948 मिलेगा, लेकिन यहां पे आप राइट आंसर क्या लगाएंगे? 1932 भी मिलेगा, लेकिन 1932 आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा उसके बाद बताइएगा। 1932 नहीं होगा, ना ही 1928 होगा, दो ऑप्शन है। यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा 1948 के साथ रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, ए उत्तर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया है 106, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की संकल्पना अभिकेंद्रित है किससे रिलेट कर जाएगा? 106 पूर्ण तंदुरुस्ती के एक अर्थ रूप में स्वास्थ्य, इच्छा के लिए स्वतंत्रता, शारीरिक स्वास्थ्य, या फिर मानसिक स्वास्थ्य। 106 राइट आंसर क्या होगा 106 का बता दीजिए, ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसने भी क्लिक किया है ए ऑप्शन उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107, वयस्क मनुष्य में नब्ज की दर की रेंज क्या होती है? 80 से 90 होती है, 70 से 80 होती है, 60 से 80 होती है, 60 से 100 होती है, कितनी होती है दर बता दीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, 5 सेकेंड्स का टाइम आप लोग के लिए। व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, केवल नोट्स का प्राइस 500 रुपीज रखा गया है। पीडीएफ के रूप में सभी नोट्स दिए जाएंगे। पेमेंट फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, या फिर पेटीएम के द्वारा करने के बाद आप लोग जैसा स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, साथ में आपको ग्रुप से भी एड कर दिया जाएगा। राइट आंसर 107 चला जाएगा, क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, 70 से 80 हो जाएगा सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 108, और आप लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन देखने के लिए हमारे चैनल पर मिलेगा फिजिकल एजुकेशन। जो फिजिकल एजुकेशन आप लोग तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस, एपीएस, या अन्य किसी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके सभी वीडियोज एक बार अवश्य देखिएगा। आपको लेवल पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में 159 से आप लोग जो वीडियोज देखेंगे, आपको यूपी टीजीटी, पीजीटी, उत्तराखंड एलटी ग्रेड का लेवल मिलेगा। और इसके पहले पार्ट नंबर 11 से लगा के पार्ट नंबर 100 तक आप लोग देखिएगा दूसरे पार्ट में, वो भी आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। शरीर में लंबी हड्डी का, हड्डियों का कार्य है, और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे सभी वीडियोस देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे वीडियोस आपके लेवल के ही बनाए गए हैं। शक्ति देने, लीवर के रूप में कार्य करना, संरक्षण देना, पेशी के जोड़ के लिए सतही क्षेत्र प्रदान करना। 108 लीवर के रूप में कार्य करना हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी उत्तर के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। यहां पर 109 जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहा जाता है जोड़ों के अध्ययन को? ल्यूनियोलॉजी, बायोलॉजी, एथ्रोपोमेट्री, या फिर ऑर्थोलॉजी, इसको बोलते हैं क्या? ऑर्थोलॉजी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, स्कूल स्वास्थ्य कार्डों का उपयोग किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, कहां किया जाना चाहिए? केवल चिकित्सा अधिकारी के द्वारा, केवल नर्स के द्वारा, या फिर विद्यार्थियों के बेहतर समझने के लिए शिक्षक की मदद हेतु, और डी दिया हुआ रोगों के निदान में कंपाउंडरों की मदद के लिए। 110 राइट आंसर, व्हाट इज द सही उत्तर, यानी राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, विद्यार्थी को बेहतर समझने के लिए शिक्षक की
मदद हेतु तो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। अंश फलक अस्थि जो स्थित होती है कहां स्थित होती है? पैर में, नितंब, ऊपरी पीठ, हाथ। तो ये हो जाएगा कहां पे होगी? ऊपरी पीठ के साथ में रिलेट कर जाएगा। सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। जो लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और सारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं वहां पे आप लोग। पेड ग्रुप का चार्ज सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज, वन टाइम के और पेमेंट करना है आपको। 10,000 क्वेश्चंस पीडीएफ के रूप में तुरंत दे दिए जाएंगे, साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी भी पीडीएफ दी जाएंगी। और आप लोगों के लिए क्विज, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ये सुविधाएं आपको पेड ग्रुप में मिलेंगी। और जो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो लोग भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 112, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने देखा होगा 112 का राइट आंसर चला जाएगा अनुप्रेसर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिलेगा। जैसे ही ये सीरीज हमारी खत्म होती है, जो मॉक प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो पुराने प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, एग्जाम्स हुए थे उनकी खत्म होती, आपके लिए सिलेबस जो पर्टिकुलर एक चैप्टर होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता इससे प्राप्त की जाती है। इससे क्या होता है? तैराकी, सर्किट ट्रेनिंग, शॉर्ट्स, स्प्रिंट, लंबी दूरी की दौड़। आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सर्किट ट्रेनिंग, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ गया है 114। लगा दीजिएगा आप लोग क्या राइट आंसर होगा। हॉकी में गेंद गोल रक्षक के पैरों में फंस जाती है, उसके बाद खेल पुनः आरंभ किया जाता है। कैसे आरंभ किया जाता है? बुल्ली द्वारा, सेंटर हिट, गोल से हिट, या फिर टास्क के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 114 नंबर का आंसर बुल्ली के द्वारा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में टाई को ब्रेक करने के लिए क्या होगा? क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। राइट आंसर एबीसीडी में से कौन सा रिलेट कर जाएगा? यहाँ पे अगले श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार किया जाता है, यानी ए ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेट पर देखते हैं 116 जो दिया हुआ है। विद्यार्थी सामान्यतः बेहतर सीखते हैं, विद्यार्थी सामान्यतः बेहतर कैसे सीखते हैं? यदि संकेंद्रित मानसिक कार्य के बाद कार्यकलाप में एक परिवर्तन किया जाता है, इस तरीके से सीखते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आ गया है 117। लंबी दूरी में टाई को ब्रेक करने के लिए क्या किया जाता है? 117 नंबर ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। अगले श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। स्विमिंग पूल की लंबाई क्या होती है? क्लिक कर दीजिए आंसर। स्विमिंग पूल की लंबाई क्या होगी? 60 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर या फिर 80 मीटर? तो लंबाई जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? 50 मीटर हो जाएगी। और इसके पहले के वीडियो जिसने नहीं देखे एक बार अवश्य देखिएगा, सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे लिए गए और आप लोग उनको देखने के बाद में उनको रिवीजन भी करते रहिएगा बीच बीच में। इससे क्या होगा, आपके माइंड में क्वेश्चंस रुके रहेंगे। 119 वॉलीबॉल कोर्ट का आकार होता है 9 मीटर गुड़े 18 मीटर, 10 गुड़े 20 मीटर, 11 गुड़े 21 मीटर, कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर जो रिलेट कर जाएगा, चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 9 मीटर × 18 मीटर के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। नए नियमों के अनुसार वॉलीबॉल जो होता है गेम, इसके पहले चार सेटों में अधिकतम पॉइंट होते हैं। 120 कितने पॉइंट होते हैं? 15, 14, 25 या फिर 24? जो पॉइंट अधिकतम होते हैं 25 होते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग स्कोरिंग अवश्य कर लीजिएगा, राइट आंसर आपके कितने सही हो रहे हैं और कितना स्कोर आपका बन रहा है। एक क्वेश्चन 4 नंबर को कैरी करेगा, आप 4 से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एक बास्केटबॉल का भार कितना होता है? जो बास्केटबॉल होता है उसका भार कितना होता है? 400 से 800 ग्राम, 500 से 600 ग्राम, 567 से 650 औंस या फिर 567 से 650 ग्राम। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां भी औंस में दिया हुआ है तो उत्तर क्या होगा? सही ऑप्शन डी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। 122। बास्केटबॉल के गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं? सब्स्टिट्यूट बताना है। 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 7 होते हैं? तो ये होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 के साथ में हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, यहां पे डी ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट कर जाएगा। 123। बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? बॉक्सिंग में जो एक राउंड की अवधि होती है वो कितनी होती है?
123, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट या फिर 4 मिनट, तो इसमें जो अवधि होती है 3 मिनट्स हो जाती है, सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इसके पहले के वीडियो जिसने भी नहीं देखा उन सभी वीडियोस का लिंक प्लेलिस्ट में दिया है, वहां से आप लोग उनको देख सकते हैं, और कम से कम 5 दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके लिए अभी 2 वीडियोस दी जा रही इनकी संख्या बढ़ाई जा सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग देखेंगे उतने ज्यादा वीडियोज आपको मिलेंगे, उतने ज्यादा वीडियोज का कंटेंट जो होगा वो आपको अच्छे से अच्छा मिलता जाएगा, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी हर तरीके के क्वेश्चंस अवेलेबल कराए जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में अभी तो 2 वीडियो मिल रही, आने वाले टाइम में आप लोगों को वीडियोस की संख्या देखने के लिए ज्यादा मिलेगी। 124 का राइट आंसर, खोखो में कितने क्रॉस लेन होते हैं, खोखो में टोटल प्लेयर होते हैं 12, खेलते कितने हैं 9, यहाँ पे क्रॉस लाइन बताना 6, 7, 8 या फिर 9, 124 राइट आंसर हो जाएगा, 8 के साथ में रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, जूडो में अधिकतम पॉइंट होता है, जो जूडो का गेम होता है उसमें अधिकतम पॉइंट होता है कैसे बनता है, कोको, इप्पोन, वाजा आरी या फिर योको, तो ये इप्पोन के साथ में रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये था 2004 का प्रैक्टिस सेट, आपको 4 पार्टों में हमने प्रोवाइड कराया है, आज के वीडियोस को हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, बस कल का आपका 2004 का हो सकता है 1 पार्ट और आपको मिलेगा, पार्ट में हो गए 125 क्वेश्चन टोटल, ठीक। तो नए वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, कल आपको नई वीडियो मिल जाएगी। तो जिसको भी फिजिकल एजुकेशन के नोट्स प्राप्त करना है वह पेमेंट कर सकता है 500 रुपये का, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा करने के बाद, जैसे ही आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, साथ में आपको पेड ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा। तो नए वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सफलता अवश्य मिलेगी।